पति को पटक पटक के बेरहमी से वहीं मार डाला, जेल का तो बहाना कर रहे हैं। प्रूफ भी हैंगे मेरे पति के बाल पकड़ पकड़ के दीवार में, बाथरूम में पटक पटक के लैट्रिन में मारा है। मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे पति को बेरहमी से मारा है उन्हें फांसी लगाई जाए। मेरे पति को पुलिस ने पटक पटक कर मार डाला। मुझसे पति को छुड़ाने के लिए 50,000 रुपए मांगे गए। मैं 100 रुपए दिहाड़ी पर काम करती हूँ, पैसे कहाँ से लाती। ये उस शख्स की पत्नी है जिनकी अब मौत हो चुकी है। आरोप है कि उनकी मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है। घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। पूरा मामला क्या है और इन आरोपों पर पुलिस का क्या पक्ष है, सब जानेंगे इस वीडियो में। 17 जून को फिरोजाबाद पुलिस ने आकाश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। 25 साल के आकाश पर बाइक चोरी करने का आरोप था। 20 जून की रात जेल में आकाश की तबीयत खराब हो गई और 21 जून को उसके अस्पताल में मौत हो गई। आकाश के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जेल भेजने से पहले उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। आकाश की पत्नी का कहना है कि आकाश को छुड़ाने के लिए उनसे रुपए भी मांगे गए थे। आज तक से जुड़े रिपोर्टर सुधीर शर्मा ने आकाश की पत्नी से बातचीत करी है, सुनिए उन्होंने क्या बताया। 17 तारीख को बाइक चुराई है उसने मेरे पति को भी बुला लिया। यहाँ भट्टा है, राम सिंह का भट्टा, उस जगह पर बाइक काटी हैगी। इस चक्कर में मेरे पति को और इसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। अब पता नहीं थाने ले गए कि कहाँ ले गए, थाने बताया जाता है। और वहीं मेरे पर उसे कुछ नहीं किया, मेरे पति को पटक पटक के बेरहमी से वहीं मार डाला, जेल का तो बहाना कर रहे हैं। थाने में ही बेरहमी से मार मार के भरी। जब मेरा पति अधमरा हो गया तो सरकारी ट्रामा सेंटर में ला के डाल दिया। उसमें प्रूफ भी हैंगे मेरे पति के बाल पकड़ पकड़ के दीवार में, बाथरूम में पटक पटक के लैट्रिन में मारा है और बहुत सारी चोटें हैंगी जिससे मेरे पति के पटक पटक के प्राण निकल गए। जाने कैसे पता नहीं लोगों ने मेरे पास फोन आया। 17 तारीख को गायब हुए, उसके 3 दिन बाद फोन आया कि तुम्हारे पति जेल चले गए हैं, उन्हें छुड़ाना चाहती हो तो छुड़ा लो लेकिन 50,000 रुपए लगेंगे। उस ये 50,000 की बात किसने कही आपसे? एक वकील था, मुझे नहीं पता वो वकील ही है कि कोई फ्रॉड था। और उसी का जिसका भाई पकड़ा गया है उसका भाई के उसी का वकील था कि मेरा वकील, मैं उसका वकील बोल रहा हूँ। और 50,000 रुपये दो तब तुम्हारा पति छूटेगा। मैंने कि इतनी बड़ी रकम मैं एकदम कहाँ से करूँ। मैं कांच के गोदाम में बीकनपुर वाले रोड पर 100 रुपये का काम करके आती हूँ। अपने बच्चों को दोनों को साथ में ले आती थी। मेरे पति 15 तारीख को मुझे किराए पर छोड़े आए थे कि मैं साथ में रहूँगा, लेकिन वो एक दिन भी मेरे साथ नहीं रहे। बयान देना चाह रहे होंगे, कुछ कहना चाह रहे होंगे अपने परिवार से, लेकिन उन लोगों ने कहने का मौका ही नहीं दिया। ना मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके माँ बाप हैंगे, मेरे 2 बच्चे हैंगे, मेरे उनके ससुराल वाले थे, किसी को भी कोई खबर नहीं थी मेरे पति की। मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे पति को बेरहमी से मारा है उन्हें फांसी लगाई जाए। आकाश की मौत के बाद 21 जून की रात करीब 3 घंटे तक बवाल मचा। सड़क पर जनता और पुलिस आमने सामने आ गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। आक्रोशित भीड़ ने रोड पर खड़ी कई सारी बाइकें फूंक दी, एम्बुलेंस तक तोड़ डाली। मौके पर मौजूद सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। आज तक से जुड़े समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद आकाश के शव को हुमायूंपुर चौराहे पर रखा गया, जाम लगाया गया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पथराव कर रहे लोगों को धकेलने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, घायलों में 5 लोग पुलिसकर्मी भी हैं। एक एसआई का सिर फट गया है। विरोध बढ़ता देख अस्पताल के 5 थानों से पुलिस बुला ली गई। एक कंपनी पीएसी भी आई। एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों से बात कर उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर हालात काबू हुए। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, हालांकि रात में सभी को छोड़ दिया गया। 22 जून की सुबह जिला प्रशासन की ओर से आकाश के परिवार को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। हालांकि परिवार का कहना है कि वादा 10 लाख रुपए देने का किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले। दलित लड़के की मौत पर भीम आर्मी चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा,
फिरोजाबाद में पुलिस ने आकाश जाटव को 19 तारीख को चोरी के आरोप में हिरासत में लिया और 2 दिन बाद ही हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। घटना बेहद दुखद है, मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं फिरोजाबाद पुलिस से मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करता हूं, साथ ही यूपी सरकार से मृतक आकाश के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा, एक दलित कैदी की जेल में जिस प्रकार से जान ली गई, ये अति दुखद है। सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार की पूरी मदद भी करे। साथ ही इस घटना के विरुद्ध आवाज उठाने वाले निर्दोष लोगों को पुलिस तुरंत छोड़े और उन पर दायर केस भी वापस ले। बीएसपी की यही मांग है। इधर पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि आकाश की मौत पर हिंसा करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने क्या बताया, खुद सुनिए। उसके उपरांत उनके परिजनों से बात हुई, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से उनकी डिमांड थी कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें कंपनसेशन दे दिया गया है। उसके बाद से वो लोग सारे लोग सहमत हो गए, फिर उनका शव उठ करके उनके घर गया, फिर उनके परिजनों द्वारा जो भी उनकी अपनी प्रक्रिया है उसके अनुसार आज प्रातः उनका दाह संस्कार किया गया है। जिन लोगों ने कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की थी, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हांकन कई लोगों कर लिए हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस पे भी आरोप लगे थे, वो पिता द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, सर इस पे कोई? देखिए, पुलिस पर और जेल प्रशासन पर, दोनों पर उनके द्वारा आरोप लगाए रहे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, चूँकि वो न्यायिक अवरक्षा में जेल में बंदी थे, इसके संबंध में ऑलरेडी जांच मिनिस्ट्रियल संस्थित होती है और वो जांच भी होगी, और जिसमें दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। घटना पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।